तो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं का वर्गमूल करना सीखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे किया जाता है, तो देखिए, परिमेय संख्या लिखी गई है 256 बटा 441। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि घड़ी लगा करके लिख सकते हैं 256 बटा 441। आप इसको भी सरल इस तरह से लिख करके कर सकते हैं। आप इसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 256 और बटे में हो जाएगा कड़ी में 441। अब आप इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप चाहे तो साड़ी विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से, चाहे तो अगर आपको ऐसे रहता है ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, 256 है तो इसको आपके दो से काटेंगे, दो एक के दो, दो दूनी चार, दो अठे 16, 128 हो जाएगा। 128 को फिर काटेंगे तो आ जाएगा 2 6 12, 2 4 8। मैंने आप देख रहे हैं सब दो का गुणनखंड होगा, तो आप इसको इस तरह लिख लें कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 8, 2 × 16 = 32, 2 × 64, 2 × 128, 2 × 256। इसी तरह से 441 का भी कर सकते हैं। तो 441 का क्या होगा? 441 तो हो जाएगी, देखिए, 3 × 3, 3 × 3 गुड़े 7 × 7। इस तरह से आप इनका पहले गुणनखंड कर लें। अगर गुणनखंड आपको न आता रहे करने में, कोई दिक्कत हो, तो आप इसको भाग विधि से गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड कहीं रफ पर भी कर लेंगे। तो अब देखिए, अब ऊपर से आप जोड़ा बनाएंगे। देख रही है, जित एक जोड़ा दो का बना, एक जोड़ा दो का और एक जोड़ा दो का, एक जोड़ा दो, तो 1 2 3 4, 4 जोड़ा बन गया। तो ऊपर आप लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए, एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा 7 का, तो हो गया 3 × 7। अब ऊपर कितना हो जाएगा देख रहे हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा 7 × 21। तो इस तरह से कितना आ गया? अब आप इसको लिखें कैसे? आप लिखेंगे कि कड़ी में 256, कड़ी में 256 बटे 441 बराबर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 16/21। तो इस तरह से आप बड़े सरल ढंग से हल कर लिए। इसी तरह से हम किसी भी भिन्न को, किसी भी परिमेय संख्या को हल कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से एक परिमेय संख्या और है, इसको हम लिखेंगे कितना, इसको लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल करना है तो आप इसको लिख देंगे कड़ी में 121, और इसको लिख देंगे कड़ी में 625। अब अलग अलग इनका गुणनखंड कर देंगे तो 121 को क्या लिख सकते हैं? आपको मालूम है कि 11 × 11 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख देंगे कितना, ये हो जाएगा 25 × 25 भी लिख सकते हैं। तो 25 × 25, अब देखिए ऊपर 11 आ गया और नीचे आ गया 25। तो इस तरह से हमें मिल गया कि इसका गुणनखंड कितना हो गया, 11/25। इसी तरह से देखिए, लिखा गया है कि 225/49 है, तो आप उसको इस तरह से, ये हो गया 225/49 हो गया, और इसको लिख देंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 21 = 15, कितना आया, 75 हुआ, 75 फिर 3 से काटेंगे 25 आ गए। मैंने इसको आप लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 × 5। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 49 है तो 49 लिख सकते हैं 7 × 7।
इसके बाद दोनों में से देख रहे हैं, यहाँ से देखिए तीन निकल रहा है, यहाँ से पांच जोड़ा बन रहा है, इसका सात, तो आप लिख दें कितना हो जाएगा, हो गया तीन गुड़े पाँच और नीचे आ जाएगा सात, तो आ गया कितना, ये हो गया तीन पच्चे पंद्रह और नीचे हो गया सात। आप प्लस माइनस लिख करके लिख सकते हैं इतना, या इसको लिख सकते हैं ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस दो सही एक बटा सात। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।